जसपुर जिले का कुनकुरी विधानसभा के बेंता टोली ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस पंचायत के सरपंच सचिव भ्रष्टाचार को अंजाम देने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं और न ही भ्रष्टाचार करने के पूर्व किसी का भय लगता है। जी हाँ, इनको लगता है अंधेर नगरी है और राजा तो चौपट है, बस आंख बंद कर भ्रष्टाचार को अंजाम दे देते हैं। जी हाँ, ये है कुनकुरी विधानसभा के अंतर्गत बेंता टोली पंचायत। पूर्व में गंदी राजनीति के संरक्षण में पलने वाले सरपंच सचिव जिन्हें नहीं मालूम सत्ता परिवर्तन हो चुका है और कुनकुरी विधानसभा के मुखिया स्वयं मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में सरपंच सचिव भ्रष्टाचार को अंजाम देने में तुले हैं। ये है स्विमिंग पूल जिसका भूमि पूजन पूर्व विधायक यूडी मिश द्वारा गाजे बाजे के साथ किया गया था और कार्य करने के लिए बेंता टोली पंचायत को निर्धारित किया गया था। कार्य प्रारंभ भी ठीक से नहीं हुआ था। लगभग 10% काम कर सरपंच सचिव के द्वारा लगभग 24 लाख से अधिक राशि, वो भी इंजीनियर के बिना मेजरमेंट के राजनीतिक दबाव देकर राशि आहरण कर ली गई और सरपंच सचिव के द्वारा पैसे का बंदर बांट कर कार्य बंद कर दिया गया। इस मामले को लेकर इंजीनियर और पंचायत के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। भारी भ्रष्टाचार को देखते हुए इंजीनियर ने बेंता टोली पंचायत में काम न कर दूसरे पंचायत में काम करना उचित समझा और मेजरमेंट बुक में दस्तखत करना उचित नहीं समझा। जी हाँ, हम आपको बता दें कि सीईओ कुनकुरी के श्रीवास 2008 में सेना से रिटायर होने के बाद अब तक 7 शासकीय नौकरी छोड़ने के बाद 8वीं बार सीईओ के पद पर आसीन हुए। जोहार छत्तीसगढ़ ने जब स्विमिंग पूल पर हुए भ्रष्टाचार की बात रखी तो उनका कहना है कि जल्द ही धारा 40 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। जसपुर से ब्यूरो चीफ प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। होगी भाई साहब को जो स्वीकृत हुई थी उसका कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत सरपंच होती है। सर, इस पर जल्द से जल्द मैं सरपंच सचिव पर कार्रवाई करूंगा। दो नोटिस पूर्व में जारी कर दिया हूं सर, तत्काल यदि प्रारंभ 2 दिवस के अंदर नहीं करते तो तत्काल कार्रवाई। आपको लगता है कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार की भेंट बढ़ चढ़ गया है? भ्रष्टाचार की भेंट तो चढ़ गया है लेकिन तत्काल मैं इस पर कार्रवाई करूंगा सर। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर? इनका यदि कार्य प्रारंभ नहीं करते सर, मैं 40 धारा लगाऊंगा सचिव को।